क्या आपके पास पहले से यामाहा V3 है और आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं V4 की तरफ या फिर V, M और 4 कंफ्यूजन है ये क्या है, तो हमारे पास है भाई सब कुछ है। आज ये है V3 और ये है V4 यहाँ, और ये इसका एक ब्लैक वाला वेरिएंट खड़ा है। तो आओ चलो एक एक करके देखते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है जो आपको कॉस्मेटिकली देखने को मिलेंगे और V3 में क्या नहीं था जो उसके अंदर है। सामने से देखने पे तो दोनों चीज़ें लगती हैं अलग, और ये लगती है एक मीनेस्ट मॉन्स्टर टाइप्स, और ये तो है हमारा पहले से क्यूट वाला बेबी जो कि था एरोडायनामिक बहुत ज़्यादा तरीके से। कॉस्मेटिक चेंजेस जो हैं दोनों में वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये है यामाहा V4M और ये है V3। ये थोड़ा सा नैरो लुक है इसका थोड़ा सा लुक वाइड है, और ये बैठने में जो इसका रोड अपीयरेंस है भाई, जो रोड प्रेजेंस है ना वो अल्टीमेट है, इसकी भी अल्टीमेट है। लेकिन हाँ ये V3 है, अब ये अपग्रेडेड मॉडल है। यहाँ से आप देखिए तो टायर साइजेस के अंदर कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है। जो फेंडर्स हैं उसका डिज़ाइन भी सेम है, बट ये जो कलर कॉम्बिनेशन के साथ में आता है फेंडर का जो डिज़ाइन है, यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि ये अपसाइड फोक्स इसमें लगे हुए हैं, अपसाइड डाउन, और इसके अंदर नॉर्मल कन्वेंशनल आपके फोक्स लगे हुए हैं। यहाँ जो आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक बैजिंग मिलेगी ABS की, और ये फेंडर थोड़ा सा नीचे की तरफ ज़्यादा दिखेगा। ये वाला जो फेंडर है ये ऊपर से ही खत्म हो जाता है। और सबसे प्रॉब्लम वाली बात ये है जो मुझे लगी, क्योंकि इसके अंदर जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो अभी भी नॉर्मल फ्लोरेसेंट बल्ब्स ही हैं, जबकि LEDs होनी चाहिए थी आजकल के ज़माने में। लेकिन हाँ वो कंपनी की तरफ से ऑप्शनल आपको मिल जाएंगी। अगर साइड बाई साइड दोनों को कंपेयर करें तो आप देखेंगे जो वाइज़र है यहाँ से इसका जो शेप है ये थोड़ा V और ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ है। इसका जो वाइज़र है ये ऐसे करके आप उल्टा U समझ सकते हैं, तो कुछ इस टाइप का इसका वाइज़र है यहाँ से। अगर हम इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ चलें जो कि हैंडल भी है यहाँ पे, तो आप देखिए जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो कुछ इस टाइप का है। ये देखिए ये इसका इग्निशन सीक्वेंस है, ये M है मॉडल, और ये है V3, इसका इग्निशन सीक्वेंस कुछ इस टाइप का है। इसका जो मीटर है वो पतला है और इसका चौड़ा और छोटा है, लेकिन जो गेटअप ज़्यादा आ रहा है वो इसका ज़्यादा आ रहा है। यहाँ से अगर इसका टैंक देखें तो टैंक ये है V4 का टैंक, और आप देख सकते हैं ये है V3 का टैंक। V3 का टैंक मुझे ऊपर से थोड़ा सा ज़्यादा वाइड लगा, और यहाँ से इसको M वाले पोर्शन में इसको यहाँ से कर्व कर रखा है। ये जो हम यहाँ बैजिंग देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत बैजिंग है यहाँ वहाँ की, जो कि आपको पहले ऐसी नहीं मिलती थी, पहले नॉर्मल मिलती थी प्लास्टिक की, और ये जो है ये मेटल की बैजिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। V3 में यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो पोर्शन है आपको यहाँ पे ये मिलते हैं एयर वेंट्स। ये एयर वेंट्स आपके स्विच हो जाते हैं यहाँ पे। ये इन दोनों के अंदर जो टैंक है ये डिफरेंस है। अब बात करते हैं इसके टेल सेक्शन की। जो टेल सेक्शन है वो मुझे दोनों बाइक्स का ही सेम सा लगा, लेकिन जो इसके विंग्स हैं ये वाले थोड़े से डिफरेंट हैं, और ये वाले विंग्स मैं देख रहा हूँ कि थोड़े से ज़्यादा लंबे हैं। जो टेल सेक्शन है वो भी थोड़ा सा इनहेंस किया गया है, लेकिन जो टेल की दोनों की जो हाइट है वो दोनों की हाइट सेम ही है। पिछला रेयर टायर भी सेम है, जो ये मडगार्ड आप देख रहे हैं ये भी सेम है, नंबर प्लेट जो सेक्शन है आपका हाउसिंग ये भी सेम ही है। इन दोनों में जो एग्जॉस्ट का डिफरेंस है ये है V3 का एग्जॉस्ट, इसके अंदर कुछ आपको इस टाइप का स्लिक लुक मिलता है, और V4 का एग्जॉस्ट जो है आपको कुछ इस टाइप का मिलता है। यहाँ पे ये हाउसिंग है, देखने में तो सेम सी लगती है, लेकिन इसके ऊपर ये जो एक हीट शील्ड टाइप्स लगा रखी है ये एक एडिशनल पार्ट है। और सबसे धमाकेदार जो मुझे चीज़ लगती है इस V4 के अंदर वो है इसकी फेयरिंग। ये देखिए ये है V4 की फेयरिंग, जो कि बहुत ही अल्टीमेट तरीके से बना रखी है, विद जो आपको एयर पॉकेट्स यहाँ पे मिल रही हैं, और ये जो वेंट्स हैं यहाँ पे ये आपको इस टाइप के देखने को मिलते हैं। यहाँ यही वाले जो वेंट्स हैं आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप का खुला सा पोर्शन मिलेगा। इस बारी क्या किया है V3 से और V4 में, मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ। ये बाइक पहले थोड़ी सी सेमी नेकेड टाइप थी, इंजन ज़्यादा दिखता था, लेकिन अब V4 में इंजन पूरी तरीके से छुपा दिया, और जो फेयरिंग है इसको बड़ा कर दिया गया, और ये बढ़ा दी गई है। तो फेयरिंग की ही वजह से बंदा इस बाइक पे बैठने के बाद कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ सीरियस वाली स्पोर्ट्स बाइक वो चला रहा है। जब मैं स्कूल या कॉलेज में था तब मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, और मुझे बताने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन आज हमारे पास हमारा भाई है जो कि मेरे छोटे भाई हैं जिनको बहुत ज़्यादा शौक है, उनके लिए हूँ मैं। मेरा नाम है सौरभ। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और अगर और ज़्यादा अच्छे लगते हैं और आप अगर देखते हैं हमारे वीडियोस तो यार लाइक करो, लाइक करने में कुछ नहीं जाता, और अपने दोस्तों को कर दो शेयर। तो चलो बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन, बाय बाय।